नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक पेटेंट दवाई के बारे में, जिस दवाई का नाम है एडल 51। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई कहां यूज़ की जाती है, यानी किन सिम्टम्स और किन डिजीज़ में इसे हम पेशेंट को देते हैं, इस दवाई का लेने का तरीका क्या रहता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, एडल 51 को मेंटल इलनेस में हम देते हैं, जैसे पेशेंट को अगर स्ट्रेस हो, एनजाइटी हो, एनजाइटी में पेशेंट को बहुत घबराहट रहती हो, बेचैनी होती हो, इसके अलावा पेशेंट को अगर नींद न आने की शिकायत हो, यानी इंसोमनिया हो, और किसी टाइप का फियर हो, फियर ऑफ घोस्ट, फियर ऑफ डेथ, ऐसा कोई फियर हो, इसके अलावा पेशेंट को इमोशनली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, जिसके कारण नर्वस डिसफंक्शन की शिकायत आनी शुरू हो गई हो। दोस्तों, एंजाइटी में पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा सोचता है, जिसके कारण उसको पैनिक अटैक जैसी शिकायत आती है, ऐसे में पेशेंट को ये दवाई देने से काफ़ी लाभ मिलता है। जैसे कुछ स्कूल जाने वाले बच्चों में ऐसा देखने को मिल सकता है, एग्जामिनेशन का फियर हो, या फिर जॉब करने वाले एम्प्लॉयज़ में अगर ऐसी कोई शिकायत आती हो, किसी टाइप की एंजाइटी हो, फियर हो, तो उसको ये दवाई ठीक करती है। इसके अलावा ये दवाई हम डिप्रेशन के पेशेंट में भी देते हैं, एक्यूट या क्रोनिक टाइप का डिप्रेशन हो, जिसके कारण पेशेंट किसी से बात न करता हो, एक कमरे में बंद रहता हो, उसका किसी काम में इंटरेस्ट नहीं होता है, खाना भी वो सही से नहीं खा पाता है, ऐसे केस में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। दोस्तों, इस मेंटल इलनेस के पीछे कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी के कारण पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से पेशेंट को स्ट्रेस रहता है, पेशेंट टेंशन में रहता है। इसके अलावा निजी ज़िंदगी में अगर पेशेंट के साथ कुछ ऐसा हुआ हो, जिसके कारण वो हमेशा सोचता रहता है या डिप्रेशन में चला गया है, तो ऐसी कंडीशन में ये स्थिति आ जाती है पेशेंट की, और इसमें हम एडल 51 दे सकते हैं। अब इसमें हम जान लेते हैं कि कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन डाली गई हैं, यानी एडल 51 में कौन सा कंपोजिशन रहता है। इसमें सबसे पहली दवाई चाइना डाली गई है। ये दवाई वीकनेस में पेशेंट को दी जाती है। जो पेशेंट हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं, ये दवाई थायराइड ग्लैंड और डाइजेशन के फंक्शन को इम्प्रूव करती है, पेशेंट को बॉडी में स्ट्रेंथ मिलती है, ऐसे में चाइना पेशेंट को दी जाती है। ये पेशेंट के गैस्ट्रिक ट्रबल को भी ठीक करती है, जैसे गैस का बनना। अगली दवाई इसमें एगेरिकस डाली गई है। नर्वस इरिटेशन होने पर, एंजाइटी होने पर, हेडेक होने पर, कन्वल्जंस होने पर ये दवाई हम पेशेंट को देते हैं। मेंटल इलनेस में ये दवाई तब काम करती है जब पेशेंट को सिर दर्द भी हो और साथ में वर्टाइगो यानी मितली आती हो, यानी बार बार उल्टी करने का मन करता हो, और पेशेंट का नर्वस सिस्टम बिगड़ा हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगली दवाई इसमें एनाकार्डियम डाली गई है। ये ऐसे लोगों में इफेक्टिव रहती है जो अपने फ्यूचर के प्रति हमेशा सोचते रहते हैं, यानी सेंसिटिव अबाउट टू फ्यूचर में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है, जिसके कारण पेशेंट को एंजाइटी हो, पेशेंट एग्जॉस्टेड फील करता हो, मेमोरी लॉस की शिकायत हो और मूड स्विंग्स होते रहते हों, तो ऐसी कंडीशन में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। अगली दवाई इसमें इग्निशिया डाली गई है। एंजाइटी डिप्रेशन के केस में अगर पेशेंट सैड फील करता हो, हमेशा दुखी रहता हो, वरीड रहता हो, और ऐसे केस में अगर ये दवाई दी जाए तो काफ़ी राहत मिलती है। किसी मेंटल शॉक के कारण या बैड न्यूज़ के कारण अगर पेशेंट के अंदर ये सिम्टम्स आते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम ये दवाई पेशेंट को देते हैं, यानी इग्निशिया इसमें बहुत इफेक्टिव दवाई रहती है। अगली दवाई इसमें एवीना सटाइवा डाली गई है। ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब नर्वस हार्ट बीट की शिकायत हो, यानी पेशेंट जब नर्वस होता हो, उसकी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती हो। इसके अलावा ये दवाई मूड चेंजर का भी काम करती है। पेशेंट के अंदर कमजोरी हो, वीकनेस हो, मेंटल इलनेस के कारण पेशेंट एक्सेसिव वरी रहता हो, यानी हमेशा चिंता में रहता हो, घबराहट उसके अंदर देखने को मिलती हो, तो ऐसे में ये दवाई एक टॉनिक के तौर पर काम करती है पेशेंट के लिए। अगली दवाई इसमें एसिड फोर्स डाली गई है। मेंटल इमोशनल स्ट्रेन के कारण अगर पेशेंट को इंसोमनिया हो, डिप्रेशन की शिकायत हो, एंजाइटी हो, तो ऐसे में एसिड फोर्स पेशेंट को हम दे सकते हैं।
ये मेंटल भी ठीक रखती है पेशेंट को और फिजिकली भी ठीक रखती है। जिन लोगों में फिजिकली वीकनेस हो, खासतौर पर मेल पेशेंट में अगर सेक्सुअल वीकनेस हो और ऐसे में ये दवाई दी जाए तो उसकी चिंता, घबराहट, डिप्रेशन भी ठीक होता है या फिजिकल वीकनेस भी पेशेंट की ठीक होती है। अब इसके डोजेस की बात कर लेते हैं, यानी एडल 51 को कैसे लेना चाहिए। वैसे तो अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, तभी इस दवाई या किसी भी दवाई का सेवन करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं इसकी आपको एक कॉमन डोज बता देता हूँ। एडल्ट्स में इस दवाई की 20 बूंदें लेनी चाहिए, चिल्ड्रंस में 7 से 10 बूंदें लेनी चाहिए और इन्फेंट्स में इसकी 5 बूंदें ही देनी चाहिए। थोड़े पानी में डालकर खाना खाने से पहले दिन में 3 बार दें। लेकिन एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।